हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम है और आप देख हमारे सॉफ्टवेयर न्यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ पबजी गेम का एक सीक्रेट प्लेस। अगर आप उस प्लेस पर जाओगे तो बहुत ही आसानी से छुप के किसी प्लेयर को मार सकते हो। तो उस सीक्रेट ट्रिक के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, तो मैं आपसे इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे को बता देता हूँ, अगर आप इनसे पर न्यू आए तो पैकेट का आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना एक नई वीडियो अपलोड करता हूं, वो सर्वे 100% रियल होते हैं। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे को बता देता हूँ, अगर आप सभी को सीक्रेट प्लेस पर जाना है तो जिस जगह मैंने मार्क किया तो उस जगह आपसे को मार्क करना है और उसी जगह आपसे को उतरना है। और पहले मैं उस जगह पर उतर जाता हूँ, फिर मैं आपसे को आगे ट्रिक समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फाइनली उस जगह पर उतर चुका हूँ और इस जगह का व्यू कुछ इस बात से देखने में लगता है। तो मैं आपसे को चारों तरफ इसका व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम बना हुआ है और इसके पर मैं गोली चला था, ये पूरा सॉलिड है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा ठोस है, इसके अंदर गोली नहीं जा रहा है। दीवार के आर पर हम नहीं देख सकते हैं, ना ही गोलियां चल सकता है। पर जैसे ही इसके साइड से जाओगे, जैसा कि आप देख सकते हो रास्ता बना हुआ है, साइड से चढ़ने के बाद अगर आप इसके रूम के अंदर जाओगे, यहाँ पे मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, रूम के अंदर जाने के बाद मैं आपसे को दिखाता हूँ। ये देख सकते हो पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो जो लकड़ी का दीवार बना उसके आर पर मैं देख पा रहा हूँ, साथ ही साथ अगर गोलियाँ चलाना चाहूँ तो गोली भी चला सकता हूँ। और यहाँ से अगर कोई बंदा गुजरेगा तो मुझे नहीं देख पाएगा, पर मैं बहुत ही आसानी से बंदा को मार पाऊँगा। तो एक बार मैं आपसे को बाहर जाकर दिखा देता हूँ, जिससे आप सब कन्फर्म हो जाओ कि बाहर से कोई व्यक्ति मुझे नहीं देख पाएगा। तो मैं बाहर आ चुका, बाहर आने के बाद यहाँ देख सकते हो पूरा लकड़ी का जो दीवार बना उसके आर पर नहीं देख पा रहा हूँ। तो जो भी बंदा बाहर में रहेगा उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर अंदर में कोई व्यक्ति रहेगा तभी उसको पता चलेगा, जब वो रूम के अंदर आएगा तभी उसको पता चलेगा रूम के अंदर कोई है। पर आप जैसे कोई व्यक्ति आएगा बहुत आसानी से उस व्यक्ति को मार पाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ी देर जब मैं यहाँ पे वेट किया तो कुछ बंदा बगी से आ रहा है, तो सामने आप देख सकते हो दो बंदा बगी से उतरा है। तो जब मैंने उसके ऊपर गोलियाँ चलाए तो बंदा को पता नहीं चला कि गोली कहाँ से पड़ रहा है, तो वो नॉर्मली रूम के अंदर चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा क्लियरली मुझे बाहर की ओर दिख रहा है, उस बंदा को गोली भी लग चुका है। और मैं आपसे को दिखा था उस बंदा को किल करके, जैसा कि आप देखो चारों तरफ से वो बंदा इधर से उधर भाग रहा है। तो फिर से उसके पे मैंने गोलियां मारा तो फिर से वो कुदकते हुए अंदर चला गया। तो वो एक अच्छा प्लेयर लग रहा था उसका एक्टिविटी से देखकर। तो मैं कुछ देर और यहाँ पे वेट करता हूँ, देखता हूँ वो बंदा इधर आता है तो मैं उसको गोली मार के दिखाता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर कुछ सेकंड में वेट करता हूँ, देखता हूँ बंदा आता है कि नहीं आता है। फाइनली आप देखते हो वो बंदा आ चुका है और इसके पे मैंने गोलियाँ मारा। तो इसको मैंने नॉकडाउन किया है, इसलिए नॉकडाउन किया कि इसका प्लेयर इसको बचाने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप देखो बहुत ही कमाल का ये ग्लिच वर्क कर रहा है। अगर आप सब इस जगह पे नहीं होता एक बार आके देखना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको देखने में। तो इस जगह पे थोड़ी देर और वेट करता हूँ, जो एक और प्लेयर था मैं उसको भी मार के आप सबको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, इधर से उधर देख रहा हूँ चारों तरफ, तो वो बंदा जब भी आएगा इधर से आएगा। अगर पीछे से आता है वो तो मुझे पैर का छाप उसका पता चल जाएगा, जैसा कि आप देखो वो आगे का पैर का छाप दिख रहा है। तो इधर से आगे से वो आने वाला, जैसे वो आगे से आएगा मुझे दिख जाएगा जब भी वो आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो घुसने से पहले, जैसे ही घुस रहा है उसके पहले ही मुझे बाहर से दिख गया वो आ रहा है, तो फटाक से मैंने उसको गोली मार दिया। तो मेरा एमओ खत्म हो चुका है, मेरे पास कोई एमओ नहीं है, इसलिए मैं दौड़ते हुए भाग रहा हूँ। और सामने में देखो एक और टीममेट उसका है, तो मैं दौड़ते हुए भाग रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे पास एमओ नहीं, अगर रुकूंगा मैं तो मैं नॉकआउट हो जाऊँगा, इसलिए मैं दौड़ते हुए भाग रहा हूँ। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कंडीशन बने तो आप सबको करना ये कि जब भी आप दौड़ते हुए भागो तो किसी रूम में आप जाओ और रूम में जाकर छुप जाओ। जैसे कि मैंने रूम में छुप गया, रूम के अंदर से आप अपना एमओ लो, जो भी गन वगैरह लो, उसके बाद उस पर जाओ अटैक करने के लिए। तो आप उस कंडीशन में आप भाग ही सकते हो। अगर आप सोचो कि उसको पंच से मारना तो पंच से आप नहीं मार सकते हो। तो इस जगह बहुत ही कमाल का ग्लिच वर्क कर रहा है, तो आप सभी को आकर ट्राई करना। तो आई होप आप सबको ये ट्रिक समझ में आ गया। अगर आप सभी को अभी भी कोई प्रॉब्लम इस ट्रिक से लेकर तो आप इस वीडियो को बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपसे कोई वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो 5000 लाइक कर देना। अगर आपसे पबजी गेम का और भी वीडियो देखना है तो वीडियो में हैशटैग यस लिखना। अगर आपसे पबजी गेम और भी टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो नहीं देखना है इस वीडियो में हैशटैग नो लिखना। तो मैं फिर तो अगले दिन के साथ गुड बाय एंड थैंक यू।